इनकी सोच बहुत ही ऊंची, बहुत ही अच्छी रही कि जो हमारे देश में जहां पर डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने तत्वों के माध्यम से डॉक्टर्स उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं, ये बहुत ही गर्व और बहुत खुशी की बात है। बताइए क्या दिक्कत है माता जी? डॉक्टर साहब, दो चार महीने से बाएं तरफ दर्द हो रही है, बाएं हाथ में, और फिर उसके बाद जो है तो गला में हो रही है, फिर रात में होती है, दिन में नहीं, और दांत में सारी हो जाती है। अच्छा, चलने फिरने में सांस फूल रहा है जी? चलने फिरने में सांस तो नहीं फूल रहा? नहीं, सांस नहीं फूलती, एकदम नहीं फूलती। मैं डॉक्टर राजवंत चौहान, मेरा चिकित्सालय सदगुरु दया सब चिकित्सालय लालगंज आजमगढ़, एक तहसील, एक कस्बा है। यहाँ पर मैंने जो है, मेरी सोच थी कि यहाँ पर मैं चिकित्सक बना हूँ तो एक समाज के लिए, एक इस जो है अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराऊँ। तो इससे पहले हम जो है क्या करते थे कि हमारे पास तमाम मरीज आते थे, हमें बड़ी पीड़ा होती थी, अच्छी चिकित्सा, अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टरों को जिसकी ज़रूरत थी नहीं मिल पाते थे। तो हमने किसी माध्यम से तत्वन को जो है संपर्क किया। अब हमारे यहाँ जो है इस सदगुरु दया सब चिकित्सालय में तत्वन टेलीमेडिसिन के माध्यम से मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक हो गई है। हाँ दर्द हो रही है बाएं तरफ गले में और पीठ में भी दर्द हो रही है। इनकी हिस्ट्री जो है 2009 में इनका एक एंजियोग्राफी के बाद बलूनिंग हुई थी जीबी पंत्र बाल का बलूनिंग हो रखा है जी जी पंत हॉस्पिटल में जी, जी। उसके बाद इन्होंने कार्डियोग्राफी कराया था अपना जी सर। मैं कुछ मेडिसिन बता रहा हूँ, आप प्लीज नोट डाउन कर दीजिए। बताइए सर, यहाँ पर हम इसके पहले प्रायः हुआ करता था कि मरीज को हम भेजते थे कि आप आजमगढ़ चले जाइए, बनारस चले जाइए, वहाँ भी मरीज पहुँचकर अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाता था, कहीं दाएं बाएं इधर उधर, फिर जैसे इससे भी कम लेवल के डॉक्टर के पास उपलब्ध होकर वहाँ पहुँच करके इलाज कराते, लेकिन वो सुविधा नहीं मिल पाती थी। तत्वन के माध्यम से हमारे यहाँ एक न्यूरो के मरीज थे, उनको जो है बनारस भी दिखाए, आजमगढ़ भी दिखाए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। यहाँ के तत्वन के माध्यम से डॉक्टर अनुराग सक्सेना को दिखाए, उन्होंने जो दवा चलाई, मरीज को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ही अच्छा आराम मिला। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको चलने में हाँफा छूटता, बीपी की दवाई आए दिन खाते थे तो उनको हार्ट में थोड़ी मोड़ी खराबियाँ हुआ करती थी, जिससे वो सोचते थे कि हम चलो ऐसे चलेंगे, बड़े डॉक्टर पास बहुत पैसा खर्च जाएगा। लेकिन यहाँ तत्वन के माध्यम से अपना दिखाए, एक्सपर्ट डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाए, तो ECG के माध्यम से देखे डॉक्टर कि इनके हार्ट में थोड़ी मोड़ी खराबी है, उसमें कुछ दवा ऐड कर दिए बीपी की दवा के साथ, उनको बहुत ही रिस्पांस, बहुत ही फ़ायदा मिला। और गुर्दे का मामला, गुर्दे के डॉक्टर यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं तत्वन के माध्यम से। तो गुर्दे के कुछ रोगी ऐसे भटकते मिले जिनको कुछ सहारा ही कहीं कुछ नहीं था, तो हमारे यहाँ गुर्दे के रोगी दिखाए, उनको भी बहुत फ़ायदा मिला, अभी फॉलोअप में ठीक भी हैं पहले से। और एक दो गायनिकोलॉजिस्ट वाला केस, आजकल तमाम तरह के लोगों को भ्रांतियाँ फैल गई, नहीं आप बच्चेदानी का ऑपरेशन ही करवाइए। हमारे यहाँ साक्षी, डॉक्टर साक्षी बंसल तत्वन के माध्यम से देखती हैं, कई ऐसे मरीजों को उन्होंने इलाज किया जिनको लगा कि नहीं, उनको तो कभी ये दिक्कत हुई ही नहीं इलाज करने के बाद। जो मरीज यहाँ डॉक्टर बोल चुके कि नहीं ऑपरेशन आपका होना है, लेकिन ऑनलाइन तत्वन के माध्यम से अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर दिखाने के बाद उनकी सारी समस्याएँ खत्म हो गई। एक बार मैं पुनः आपके तत्वन टीम को, तत्वन के फाउंडर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप गरीब जनता और दूर दराज गाँव की जनता को आपने इस तत्वन के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा इलाज देने का प्रयास किया है। इसके लिए हम सभी बहुत ही आपके लिए गौरवान्वित हैं, बहुत ही आपका शुक्रगुजार हैं। और हम तो चिकित्सक हैं ही, लेकिन आप भी चिकित्सक न होते हुए भी इतना अच्छा कार्य किया है कि चिकित्सक और मरीज के बीच में जोड़ने का काम किए, ये ही बहुत बड़ी सोच आपकी है। इसके लिए जो है बहुत ही जितना भी बधाई और धन्यवाद दिया जाए कम है। शूटिंग हो गई।
अरे शूटिंग कर रहे हैं ना।